गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एलोवेरा फेशियल कैसे किया जाता है वो बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एलोवेरा लीफ, उसको पहले छील लेंगे। आप एक स्पून के मदद से इसका जेल निकाल लेंगे। अब इसको मिक्सी में क्रश कर लेंगे। इस एलोवेरा फेशियल के पहले स्टेप है क्लींजिंग। इसके लिए हमें चाहिए 4 टीस्पून बेसन, 1 चुटकी हल्दी और 5 टीस्पून एलोवेरा जेल। आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये क्लींजर हमारे फेस को क्लीन करने में मदद करता है और हमारे फेस से एक्सेस ऑयल को रिमूव करने में मदद करता है। पहले थोड़ा पानी से अपने फेस को भिगा के इस पेस्ट को अपने हाथों से पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे। पांच मिनट ऐसे मसाज करके ठंडे पानी से धो लेंगे। दूसरी स्टेप है स्क्रबिंग। इसके लिए हमें चाहिए 2 टीस्पून राइस फ्लोर, 1 चुटकी हल्दी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक छोटे से एलोवेरा के पत्ते को छील के उसमें चाकू से थोड़ा थोड़ा काट के फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। फिर से अपने मुंह को थोड़ा भिगा लेंगे। अब एक छोटे छोटे एलोवेरा पत्ते के मदद से इस मिक्सचर को अपने पूरे फेस पे अच्छे से लगा लेंगे, लेकिन आंखों के निचले हिस्से को छोड़ के। ये स्क्रब हमारे डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने में मदद करता है
और हमारे ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स को रिमूव करता है और हमारे टैन को रिमूव करने में मदद करता है। फिर 2 से 3 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करके गुनगुना पानी से धो लेंगे। तीसरा स्टेप है क्रीम मसाज। इसके लिए हमें चाहिए 2 टीस्पून एलोवेरा जेल, 1 टीस्पून रोज वाटर और 1/2 टीस्पून हनी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये क्रीम हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है और हमारे स्किन को नरिश करने में मदद करता है और हमारे स्किन को सॉफ्ट करने में मदद करता है। अब इस क्रीम को अपने पूरे फेस पे लगा के 5 मिनट तक मसाज कर लेंगे, फिर ऐसे ही छोड़ देंगे। चौथा स्टेप है फेस पैक। इसके लिए हमें चाहिए 3 टीस्पून सैंडलवुड पाउडर, 5 टीस्पून एलोवेरा जेल, 1 टीस्पून कर्ड हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये फेस पैक हमारे स्किन को ग्लोइंग और फ्लॉलेस करने में मदद करता है और पिगमेंटेशन, ब्लेमिशेस, एक्ने स्पॉट को रिड्यूस करने में मदद करता है। आप इस मिक्सचर को अपने पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे। आंखों के निचले हिस्से को छोड़ के, क्योंकि अब हम बनाएंगे आई मास्क। इसके लिए एक एलोवेरा के पत्ते को बहुत ही पतले हिस्सों में काटना होगा। और 20 मिनट के लिए फ्रीज में रखेंगे। अब इसको ऐसे अपने आंखों के नीचे लगा लेंगे, इससे हमारी डार्क सर्कल की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अब हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद इसको निकाल लेंगे और ऐसे उंगली से मसाज कर लेंगे। मेरा फेस पैक भी सूख गया है। अब हम इसको ठंडे पानी से धो लेंगे। इस फेशियल को करने के बाद मुझे मेरे स्किन ग्लोइंग और फ्लॉलेस लगा। इस फेशियल को महीने में 2 बार जरूर ट्राई करना और रिजल्ट मुझे कमेंट में बताना। तो ये रहा आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। ओके, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय।